हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं रंजना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ स्टाइल बाय रंजना में। तो आज का जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है स्किन केयर से रिलेटेड। और जैसे कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट में फेस वॉश वगैरह अवेलेबल है, लेकिन ये मैंने घर पर ही बनाया और मैं खुद इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इससे। और इससे जो मेरी पहले स्किन इसी ड्राई और खिंची खिंची सी होती थी ना, उसके इसको यूज़ करने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा मुझे इसमें फ़ायदा मिला है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। और ये हम घर पर ही बनाते हैं और घर पे बनाई हुई चीज़ों से हम जब खुद बनाते हैं ना तो उसको कुछ अलग ही फील होता है और उसका इफ़ेक्ट भी हमारे इस पे फेस पे या बॉडी पे कुछ अलग ही होता है। तो हम अपने हाथों से जो चीज़ बनाएंगे और उसके बाद जब यूज़ करेंगे तो उसका ज़्यादा असर होता है, क्योंकि इसमें हम केमिकल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं और घर पर ही बना रहे हैं, तो एकदम प्योर एंड अच्छा बना रहे हैं। तो इसके लिए ना, और आप इस फेस वॉश पाउडर को जब यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद को पता लगेगा कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और मैंने बनाया है और इसके लिए ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी, हर तरह की जो ऑल स्किन टाइप्स होती है ना वो इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसे पानी से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दही में आप यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। जब भी आप यूज़ करें तब, और इसको जब यूज़ करना हो तब आप यूज़ करने के बाद इसको बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करके रखें, क्योंकि थोड़ा भी अगर इसमें मॉइस्चर चला जाएगा तो ये आपका जो पाउडर है ना वो ख़राब हो जाएगा और फिर वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देगा, आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए जब भी आप यूज़ करें तो इसको एयर टाइट कंटेनर में वापस से बंद करके रखें। और आप पानी से या दही से या दूध से किसी से भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। मैं ज़्यादातर यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दही मिक्स कर लेती हूँ, दही से ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि दही से जो अगर मेरी थोड़ी सी से ड्राई स्किन है ना तो उसके लिए दही से मैं जब यूज़ करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरी ड्राई स्किन अभी थोड़ी आजकल से ही हो गई है, तो अगर आपकी भी ड्राई स्किन है तो आप इसे दही से यूज़ करें, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पानी से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दूध से भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आजकल मेरे घर में तो सभी लोग ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब मुझे इतना फ़ायदा हुआ तो सबको लगा कि हमें भी यूज़ करना चाहिए, तो सभी लोग आजकल मेरा बनाया हुआ फेस पाउडर ही यूज़ कर रहे हैं, फेस वॉश पाउडर। तो आप भी इसे बनाइए और यूज़ करिए, क्योंकि बेसन जो भी मैंने इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलाई है, अगर आपके पास है वो चीज़ है नहीं है तो भी चलेगा, और जो चीज़ें वो भी मिला सकते हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें मैंने खुद घर पर ही बनाई है। तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वैसे ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाती है, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, नहीं तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईजिली आप बना लेंगे और इसे यूज़ करेंगे, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ, मेरी बेटी यूज़ करती है, मेरे घर में सभी यूज़ करते हैं, और इससे ना आपकी स्किन पे ऑटोमेटिकली इतना ग्लो आने लग जाएगा जब आप इसे यूज़ करेंगे ना, आपको खुद को फील होगा कि हाँ हमारी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। तो इसको आप यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि बेसन हो गया, सैंडलवुड पाउडर है, हल्दी है, हिबिस्कस पाउडर है, ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ बना कर कि कैसे बनाना है इसे। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए ना, वो आपको जो भी कंटेनर आप लेंगे वो एकदम सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गीले थोड़ा भी पानी रहा, थोड़ा भी गीला रहा, तो आपका फिर जो ये पाउडर है फेस वॉश पाउडर ये खराब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक कंटेनर ले लेना है एकदम सूखा वाला, और उसमें आपको बेसन मिला देना है। मैंने यहाँ पर करीबन 4 से 5 चम्मच बेसन यूज़ किया है, तो आप इसमें 4 चम्मच या 5 चम्मच के करीब बेसन ले सकते हैं। और बेसन मैंने बेसन के का एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारी स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को टाइटनिंग देता है, मॉइस्चर देता है, इसलिए बेसन तो बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो मैंने यूज़ किया है वो हिबिस्कस पाउडर है,
हिबिस्कस पाउडर जो इसमें हम मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे, उसके वजह से क्या कि थोड़ा सा ड्राई हो जाता है फेस, तो हिबिस्कस जो पाउडर है ना वो हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है, इससे स्किन में एकदम ऐसे नमी रहती है। तो मैं जब 4 चम्मच बेसन लिया है तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब हिबिस्कस पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब हिबिस्कस पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है, और हिबिस्कस पाउडर बहुत अच्छा होता है। और नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो है सैंडलवुड पाउडर। तो सैंडलवुड पाउडर जब हम फेस वॉश करते हैं तो उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आती है, स्मेल इतनी अच्छी आती है, और जो भी हम फेस पैक वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी सैंडलवुड पाउडर यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और ग्लो प्रदान करता है हमारी स्किन को। तो यहाँ पर मैंने सैंडलवुड पाउडर भी 2 टेबल स्पून के करीब ही लिया है, और इन सबको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से मिक्स करना है पहले। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने जो लिया है ये है मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी भी मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ही लिए। और मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है ना कि जो अगर हमारे फेस पे ओपन पोर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी इससे धीरे धीरे आपके ओपन पोर्स वगैरह सब रिमूव हो जाएंगे और स्किन इससे टाइट हो जाती है मुल्तानी मिट्टी से। लेकिन जब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे थोड़ा कम ही लें, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा ड्राइनेस होता है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर मैंने ऑरेंज पील पाउडर खुद घर पर ही बनाया था वो ही यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, वो भी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब, और आप ले सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज पील पाउडर। तो ये सब हमको ले लेने हैं, अगर आपके पास बनाया हुआ नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है आजकल, तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, पर ये मैंने खुद ही बनाया था तो मैंने वो ही यूज़ किया इसके अंदर। और इन सबको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर लिया है, और हल्दी पाउडर हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारी स्किन में जो भी पिंपल्स वगैरह होते हैं, जो भी डार्क स्पॉट या जो भी डलनेस होती है ना, उसके लिए हल्दी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हल्दी लिया है। और हल्दी आप ज़्यादा ना लें, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका चेहरा पीला पीला हो जाएगा, इसलिए आप हल्दी थोड़ा कम ही लें, और आपके पास जो भी हल्दी आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को लेकर, और इन सबको हमको अच्छे से मिक्स करना है। तो आपके पास अगर इनमें से कोई चीज़ ना भी हो तो भी चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल ईजिली अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। फिर इसको हमको स्टोर करने के लिए लेना है एक कांच का कंटेनर, क्योंकि और एयर टाइट होना चाहिए। कांच के कंटेनर में क्या होता है कि जो भी हम ये स्टोर करके रखेंगे वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास कांच का कंटेनर नहीं है तो आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं, लेकिन एयर टाइट होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए, नमी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर अगर एक बार अगर उसमें थोड़ा भी नमी चली गई तो फिर वो आपका पाउडर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये इसमें ले लिया छोटे वाले कंटेनर में, और इस तरह से आप इसको अच्छे से टाइट बंद कर दीजिए, और जब भी आपको यूज़ करना है तब आप इसे थोड़ा सा निकालें, पानी में मिलाएं और लगा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।